नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष। आज मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि भारत में जिस तरीके से ड्राइवर एकजुट हो रहे हैं, भारत के 25 राज्यों में हमारी संगठन काम कर रही है और संघ जिस मजबूती के साथ, लोगों के साथ जिस तरीके से ड्राइवर एकजुट होते जा रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि हमारी बात सरकार सुनेगी। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, जो लोग चुप खड़े हैं, जो देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है, उन लोगों के लिए सबक है कि अभी भी वक्त है, आप संगठित हो जाओ, साथ में आ जाओ। चाहे ऑटो चलाने वाले हैं, कार चलाने वाले हैं, या ट्रक या बस चलाने वाले हैं, ये संघ पूरे भारत के अंदर सारे ड्राइवरों के लिए बात कर रही है, सारे चालकों के लिए बात कर रही है। ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पहली बार भारत में अपनी बात रखने का मौका देती है। हर एक ड्राइवर अपनी बात सरकार तक रख सकता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी 365 दिनों में वो एक दिन भी याद न किया जाना, ये क्या दर्शाता है? कहाँ पर खड़े हैं हम? इतने राजनीतिक पार्टियां हैं, इतने घोषणा पत्र होते हैं, किसी भी घोषणा पत्र में किसी ड्राइवर के लिए कुछ बोला गया? कहाँ पर हम खड़े नहीं हैं? किस जगह पे खड़े नहीं हैं? भारत की हर व्यवस्था से लेके हर जगह हम खड़े हैं, अस्पताल से लेके शमशान तक, शहर से लेके संसद तक, दूध से लेके सब्जी तक। कोरोना काल में पूरे भारत की सड़कों पर चलने वाले वो कौन थे? ट्रक चालक से लेके एम्बुलेंस चालक तक, कहाँ क्या आपने देखा? ऑक्सीजन से लेके हर जगह। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ड्राइवरों के लिए बोला गया या कोई व्यवस्था बनी? क्या आप लोगों से छुपा है? क्या आप लोगों को खबर नहीं? क्या आप लोग देख नहीं रहे थे? फिर भी आप अनदेखा बने हुए हो। ये सोने का वक्त नहीं है, जग जाओ मेरे मित्रों, मेरे साथियों। अगर तुम इसी तरीके से चुप रहे तो आने वाले समय में आने वाले नस्लों को, आने वाले लोगों को क्या जवाब दोगे तुम? कम से कम लड़ो, आगे आ जाओ। ये तुम्हारी जो है चुप रहना, तुम्हारे चुप रहना एक दिन तुम लोगों के लिए अभिशाप बनेगा। तो ये संगठित होने की ज़रूरत है, आप संगठित हो जाओ, और जब संगठित होंगे तो हमारी बात सरकार सुनेगी। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें, या फिर 90831 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।